जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। गायत्री किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने की कढ़ी, इसे मसाले चने भी कहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ाया और 2 चम्मच घी, घी अच्छे से गर्म हो गए, 1 चम्मच इसमें जीरा, 1/2 चम्मच हींग, हल्का इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच कटी हरी मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और इसमें लौंग, काली मिर्च और दालचीनी इसमें ऐड कर रही हूँ और कटे प्याज लंबे, इस तरीके से इसको चला लेना है। ये देखिए हल्का कलर चेंज हो गया। अब इसमें कटे 1 टमाटर डाल रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से इस तरीके से चला लेना है। अब इसमें मैंने ये काले चने रात भर भिगो के अच्छे से रख दिए थे, अच्छे से ये हो गया। देखिए ये 1 कप है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसको इस तरीके से अच्छे से चला लेना है। अब इसमें 1/2 कप इसमें पानी डालना है। ये देखिए अब मैंने 2 सीटी इसमें ये हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी मैंने डाले, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए सर्व करते हैं। ये देखिए काले चने की कढ़ी बन गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे नान, पूरी, पराठे के साथ खा सकते हैं। आप भी बनाइए इस तरीके से काले चने की कढ़ी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।